हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके वैलेंस बैंड में चार्ज का कंसंट्रेशन कितना होगा, या फिर उसके वैलेंस बैंड में चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, या फिर उसके वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, जिसके लिए हम ये वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब डेरिवेशन कैसे शुरू करेंगे, तो उसके लिए हम दो चीज रिकॉल करेंगे। कौन सी चीज? पहली तो ये कि हमने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में एक इक्वेशन डिराइव किया था कि इतने नंबर ऑफ होल उसके वैलेंस बैंड में होते हैं, इतने नंबर ऑफ होल उसके वैलेंस बैंड में होते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर की बात हमें पता है। उसके चार्ज कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में कितने हैं वो हमें पता है, ठीक है। और दूसरा, हमने एक इक्वेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डिराइव किया था, किसके लिए? फर्मी एनर्जी लेवल के लिए। ये वाला इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या इतने नंबर ऑफ होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में इतने नंबर ऑफ होल है, पी टाइप में नहीं है। क्यों पी टाइप में नहीं है? क्योंकि पी टाइप में अगर आपको पता हो तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आता था ईए करके, अगर पता हो तो। अब ये इक्वेशन में देखे तो यहां पे हमें कोई ईए यानी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल दिख नहीं रहा, तो जिससे करके हम नहीं बोल सकते कि इतने नंबर ऑफ होल या चार्ज कंसंट्रेशन वैलेंस बैंड में होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक काम करेंगे, हम ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये टर्म का आंसर कुछ ईए के फॉर्म में फाइंड करेंगे। यानी हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहां पे ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईए। अब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हम इक्वेशन वन में डाल देंगे, जिससे करके हमारा इक्वेशन नंबर वन बन जाएगा चार्ज कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, तो इस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशन मैंने यहां पे लिख के रखा है, e रेस टू ईवी माइनस ई एफ बाय केटी। ये इक्वेशन को हम ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये लॉ है पावर का, आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो टर्म एज इट इज लिख दी, ये वाली इंटू करके e रेस टू माइनस, माइनस यहां रख दिया ई एफ। अब ये ई एफ की पूरी वैल्यू है, ये इक्वेशन टू ई एफ की पूरी वैल्यू है, ये ई एफ की पूरी वैल्यू यहां रख दी हमने, ई वी प्लस ए बाई टू माइनस के टी एल एन करके, ये रेस टू माइनस थ्री बाई टू पूरी ई एफ की वैल्यू रख दी यहां पे, ये ई एफ की वैल्यू रख दी माइनस करके, और डिवाइडेड में क्या है, के टी है, तो होल डिवाइडेड बाय के टी कर दिया, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये टर्म एज इट इज लिख ली। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ईवी माइनस ई ए बाई टू होगा, माइनस ईवी माइनस ई ए बाई टू होगा। अब ये के टी यहां पे है तो टू इंटू के टी, सो टू के टी हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस के टी बाई टू होगा, तो यहां पे प्लस हो गया, और ये के टी से ये के टी कैंसिल, यानी प्लस वन हाफ हो जाएगा, एल एन एन ए बाई टू, ये टर्म एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो पावर है एक्सपोनेंशियल का उसका एडिशन कर देंगे, e रेस टू ईवी बाई के टी माइनस ईवी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई टू के टी कर देंगे। बच क्या गया, यहां पे प्लस है तो इंटू कर सकते हैं हम, ये प्लस को इंटू क्या कर लिया, e रेस टू वन हाफ, पूरा ये टर्म लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम कितना आया, टू के टी, तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया, सो टू ईवी माइनस ईवी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई टू के टी हो गया, इंटू। अब ये जो वन हाफ है, ये जो वन हाफ हमें मालूम है, अगर एल एन के आगे कुछ टर्म है तो उसे हम पावर में भेज सकते हैं, तो ये वन हाफ को हम यहां भेजेंगे और यहां भेजेंगे, तो एल एन हो गया एन ए के पावर में वन हाफ, और ये माइनस थ्री बाई टू है उसके पावर में भी वन हाफ आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे टू ईवी माइनस ईवी, यानी ईवी माइनस ई ए डिवाइडेड बाई टू के टी। अब ये क्या है, ई रेस टू एल एन है, यानी ये टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस में आ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये हो गया बेस में आ गया एन ए बाई टू, और ये पूरा टर्म ये कितना हो गया, थ्री बाई टू इंटू वन हाफ, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन हाफ, माइनस थ्री बाई फोर आ गया। यानी अब हमें मिल गई एक चीज, क्या, ये जो टर्म थी ईवी माइनस ई एफ वो किसके टर्म में मिल गई,
ये ईए एनर्जी कौन सी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के टर्म में मिल गई, एक्सेप्टर एनर्जी टर्म के लेवल में मिल गई। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये पूरी इसके बराबर है, तो अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में डालेंगे, ये वाली वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर वन हम कैसे लिखेंगे, NH इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, तो ये पूरा टर्म लिख लेंगे ई रेस टू वी माइनस ई ए वाला ई रेस टू यू माइनस ई ए माइनस थ्री बाई फोर लास्ट में, माइनस थ्री बाई फोर लास्ट में, ठीक। अच्छा आप क्या करेंगे, टू रेस टू वन है और ये एन ए बाई टू रेस टू वन हाफ साथ में कर देते हैं। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो पावर में एडिशन हो जाएगा, सो थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई फोर, बाकी बचा ये टर्म एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब एन एच ये टू रेस टू वन है और ये कितना है, टू रेस टू माइनस वन हाफ, एन ए रेस टू वन हाफ एज इट इज है। अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम फोर, सो थ्री टू सिक्स, सिक्स माइनस थ्री, थ्री बाई फोर, ये टर्म एज इट इज। अब वन माइनस वन हाफ कितना होगा, वन हाफ, तो टू रेस टू वन हाफ, एन ए रेस टू वन हाफ, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब दोनों के पावर सेम है तो साथ में कर देते हैं, टू एन ए रेस टू वन हाफ, ये पूरा टर्म एज इट इज, ये पूरा टर्म एज इट इज। अब ये चीज क्या बताता है, ये चीज बताता है नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर बोल लो चार्ज डेंसिटी इन वैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, या बोल लो चार्ज कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एग्जाम में आपको यहां तक लिखना है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।